guys, welcome back to the brand new video on this channel. This is Rahul Sharma and you're watching Gaming the Awesome YouTube channel. So guys, this is PMPL Indonesia Grand Finals ka last match. And ek yahan pe aapko fact ki baat batata hu ki hamesha, matlab most of the time kya scene rehta hai ki jitne apni region ki top wali teams hote hai, like BTR Indonesia ki, RRQ Thailand ki, and XQF PEL mein matlab performance acha karte hai, so China ki best team hai. So yahan pe scene kya rehta hai, yahi log matlab last match mein chicken nikalte hai. जैसे आपको पता है कि PL में PL सीजन 2 था, वहां पे XQF ने निकाला था. आफ्टर दैट अभी थाईलैंड के मतलब ग्रैंड फाइनल्स होते हैं, RRQ निकालते हैं, एंड ये लास्ट मैच है, इसमें BTR चिकन निकालती है. सो भाई ये है, तो लोग एक घर अपने चिकन के साथ जाना चाहते हैं. सो काफी इंटरेस्टिंग यहां पे फाइट्स होती हैं, एंड वो मैं आपको सारी कवर करने वाला हूं यहां पे 1v1. सो यहां पे अभी आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, ईवोस का प्लेयर यहां पे अभी आ रहा है, बट यहां पे एक लक एक फैक्टर होता है, वो यहां पे काम कर जाता है ईवोस के एक्सी के लिए. सो ये जैसे वॉल्ट करते हैं, इसको एकेम मिलती है एंड डाउन कर देता है बेचारे दूसरे प्लेयर को. सो डीआरएन का एक प्लेयर डाउन हो जाता है यहां पे, एंड आफ्टर दैट गाइस अभी और फाइट्स होने वाले हैं यहां पे. पिकाडो और बीटीआर माइक्रोबॉय वगैरह उतरे हैं, सो ये इनका मतलब प्लेस है, यहीं पे उतरते हैं. नाउ ईएक्सी को देखो, ये प्लेयर को स्पॉट करने की कोशिश कर रहा है, स्पॉट होता है, फायर करता है, बट लास्ट मैच इसको पता है कि भाई अपने को पुश करके खेलना है. जो भी लास्ट मैच होता है वहां पे टीम्स को पता रहता है कि हम अब क्वालीफाई नहीं होने वाले हैं, सो ऐसे पुश करके खेलते हैं. बट पुश यहां पे बहुत खराब था, बिल्कुल सामने ओपन में गार्ड लगा के इसको डाउन करने की कोशिश करता है. ये मुझे मतलब अच्छा नहीं लगा यार. ईएक्सी यहां पे घर पे भी रुक सकता था, उसका पीछे एक बंदा था, वो उसको फायर कवर फायर दे सकता था, बट इसने ऐसा कुछ नहीं करा. मतलब ये ओपन में जाता है एंड ओपन से ट्राई करता है टेक डाउन करने की. सो ये मतलब चीजें यार, इतने अच्छे प्लेयर ये चीजें नहीं करते हैं, बट दिस इज लास्ट मैच एंड इसने सोचा क्या पता मैं डाउन कर दूंगा. सो ये होगा सीन. बाय द वे मुझे गाइस ये जरा भी अच्छा नहीं लगा. एंड गाइस ये फाइट भी काफी सही फाइट है. ये M4 से स्टार्ट करता है इसको मारना नीचे वाले पेयर को, ईबोस का फॉक्सी, एंड उसके बाद अपनी एकेम पे स्विच करता है. आफ्टर दैट एकेम को मारने के बाद भी फिर से M4 पे आता है एंड M4 से डाउन करता है एंड फिनिश करता है उसके बाद. सो काफी लंबी फाइट से उसको डाउन करके फिनिश कर जाता है एंड फॉक्सी यहां से निकल लेता है. बट गाइस और इंटरेस्टिंग यहां पे फाइट्स हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं. सो ये फनी मोमेंट देख सकते हो, ryzen ने microboy को अपने नेट से डाउन किया एंड उसके सामने चढ़ाने के लिए उसको, मतलब अभी फन चल रहा है इनका, एंड जरूरी भी था क्योंकि गाइस ये PMPL सी के लिए तो ऑलरेडी क्वालीफाई हो चुके थे एंड इनको पता था यहां पे फर्स्ट नहीं आने वाले हैं. सो मजे के लिए खेल रहे थे, बट चिकन भी घर लेके जाते हैं. बट सबसे ज्यादा दिक्कत थी यहां पे बूम को एंड ऑरा, क्योंकि उनको सेकंड पोजीशन के लिए यहां पे लड़ना था. जिस किसी स्क्वाड की भी यहां पे सेकंड पोजीशन आती वो बंदे यहां पे क्वालीफाई हो जाते हैं PMPL सी के लिए. सो यही सीन रहता है, बट ये हिफार दोनों प्लेयर्स के बीच में हुआ एंड जो सामने वाले प्लेयर ने यहां पे जिगिल करा वो मतलब बहुत ही दिखने वाला था. बट गाइस ये वाला मूवमेंट अभी समझ लो, यहां पे गीक का स्क्वाड भी है, यहां पे बूम का स्क्वाड भी है. सो ये मतलब ये अगर यहां पे सिचुएशन आप समझते हो, सो बाद में आपको काम आने वाली है कि यहां पे कितनी अच्छी-अच्छी फाइट्स यहां पे होती हैं. सो ये वाला मतलब मोमेंट आप समझ लेना कि बूम ना यहीं पे होल्ड करती है, पूरा मैच यहीं पे होल्ड करते हैं, उनको जोन पे जोन शिफ्ट होते जाते हैं. एंड आफ्टर दैट गाइस ऑरा भी यहां पे बहुत अच्छा खेलती है, वो आपको दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर बाद. बट यहां पे एल्टर के ईगो यहां पे सामने टिक डाउन करने की ट्राई कर रहे हैं स्क्वाड को, एंड यहां पे अभी पुश कर देते हैं BTM के प्लेयर्स एंड दूसरे वाले प्लेयर्स को यहां पे कंफर्म करके फिनिश करा जाएगा, मतलब नॉक करके फिनिश करा जाएगा. लास्ट प्लेयर को जो रिफ्लेक्स से डाउन करना भाई, वो काफी मतलब सही था, बहुत प्यारा था. एंड जितने भी प्लेयर होते हैं बाकी बचे हो उनको भी खत्म कर जाता है एंड अपने प्लेयर्स को यहां पे रिवाइव कर जाएगा. ये बहुत फास्ट फाइट थी, बट कुछ फाइट अभी दिखाता हूं जो लास्ट जोन में होने वाली है. BTR यहां पे आ चुके हैं, BTR जोन में मतलब पहुंच चुकी है अपना जोन में, अभी ये पोजीशन लेंगे. एंड आफ्टर दैट गाइस यहां पे लिक्विड डाउन हो जाते हैं गाड़ी के ब्लास्ट होने से, बट उनको स्टीव यहां पे कंफर्म कर लेते हैं, ऑरा स्टीव. सो ये मैं चाहता था यार कि ये स्क्वाड यहां पे जीत जाती एटलीस्ट, मतलब टॉप 2 में आ जाती, क्योंकि टॉप 2 में थे जब रेगुलर सीजन था BTR के साथ. बट लिक्विड का आपको पता है कि लिक्विड मतलब बहुत सही बंदा है, स्काउट के साथ भी बहुत ज्यादा खेलता है ये एंड बहुत फनी बंदा है. सो मतलब मैं चाहता था यार कि लिक्विड की स्क्वाड भी यहां पे क्वालीफाई होती, बट गाइस जो बेस्ट खेलेगा वही क्वालीफाई होएगा यहां पे. एंड आफ्टर दैट अभी सीन क्या रहता है, यहां पे बहुत सारी फाइट चलती है एंड आपको कुछ मैं अभी अमेजिंग फाइट दिखाने की कोशिश करता हूं. यहां पे एरो का स्क्वाड है गाइस, ये एरो बुल्फ का स्क्वाड यहां पे, ये सबसे बड़े टॉप पे चल रहा था इस टाइम एंड बूम को ये मतलब यहां पे इनको पुश करने वाले हैं. सो बूम को पता है भाई कि अपने को ये मैच जीतना है, इनके पास एक किल होती है, थोड़ा पैसिव खेलते हैं इस टाइम ये एंड मतलब बैक ऑफ कर जाते हैं. अपनी जो पोजीशन थी इन्होंने एक्वायर करके रखी थी, उस पोजीशन को यहां पे एरो को देते हैं. इवन यहां पे ये पोजीशन जब एरो को देते हैं वो यहां पे पुश कर सकते हैं, बट इनके पास थोड़ा सा और हाइट
हाइट का एडवांटेज था जो पीछे मतलब यहाँ पे पहाड़ पे और ऊपर हाइट एडवांटेज ले लेते हैं, उस चक्कर में यहाँ पे फाइट्स नहीं हो पाती हैं। बट पीछे से अभी इयोन की स्क्वाड यहाँ पे आयन जो भी कहना चाहते हो बोल सकते हो भाई, फिजिक्स में तो हम आयन पढ़ते थे इसको, सो ये इंडोनेशियन लोग यहाँ पे इयोन पढ़ रहे हैं, सो ये यहाँ पे इनको डाउन करने की कोशिश करते हैं। सो एरो वाले यहाँ पे इनको स्पॉट कर लेते हैं, डाउन कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। दो प्लेयर होते हैं यहाँ पे, दोनों स्पॉट करते हैं। पहला प्लेयर तो यहाँ पे गाइस फायर करता है एंड मतलब उसको स्पॉट हो जाते हैं, वो फायर करके डाउन करने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे उसको कुछ नहीं मिल पाता, अभी एक भी नॉक नहीं मिलता है। बट जब ये बंदे मतलब गाड़ी में बैठने की कोशिश करते हैं, सो दोनों प्लेयर यहाँ पे अपनी M16 से एंड अपनी एक M4 से इनको डाउन करता है एंड यहाँ पे इयोन का स्क्वाड पूरा खत्म हो जाता है एंड ये लोग इनलेट हो जाते हैं 12th पोजीशन पे एंड इनके पोजीशन में मतलब ओवरऑल रैंकिंग में 7 से नीचे जाती है। सो ये मतलब अच्छा नहीं लगा मुझे, क्योंकि लास्ट का डे इनका अच्छा नहीं निकला, नहीं तो लिक्विड की टीम बहुत प्यारा खेल रही थी। बट गाइज ये जो फाइट है अभी एरो एंड साथ में बूम के बीच में, ये बहुत देर तक चलती है एंड इनको एक भी कैजुअलिटी नहीं मिलती एंड उनका हाइट एडवांटेज देख के यहाँ पे एरो वाले इन पे पुश नहीं कर सकते थे। सो ये सीन रहता है एंड ऑरा को देखो गाइज, ऑरा यहाँ पे ऑरा के एंड बूम के बीच में मतलब टोटल जो फाइट थी अभी प्लेसमेंट पॉइंट्स के लिए या फिर कोई भी सीन रहता है, मतलब टोटल रैंकिंग में जो फाइट थी वो ऑरा के बीच में थी एंड बूम के बीच में थी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सो इसी इंटरेस्ट के साथ ये फाइट को देखना कि लास्ट में अभी क्या सीन रहता है। आई डोंट नो गाइज ये कैसा मैच मतलब रहेगा आपके लिए, आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, बट स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार इसको अच्छे से डिफाइन करूँ। एंड इवन मैंने भी ज़्यादा मैच नहीं देखे हैं पीएमपीएल वाले, मैंने थाईलैंड को फॉलो किया, थाईलैंड के मैच गाइज काफ़ी मतलब प्यारे लगे थे मुझे, बट इसमें आप लास्ट में ये मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। नाउ यहाँ पे बूम के प्लेयर यहाँ पे एरो के प्लेयर्स को मारने की कोशिश करते हैं एंड यहाँ पे मिनी से जो नॉक निकलता है वो बहुत प्यारा था। सो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब इस बंदे ने जो वॉकर इनके इन्होंने बहुत प्यारा नॉक दिया एंड आफ्टर दैट पूरा स्क्वाड यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं। सो ये वाली स्क्वाड यहाँ पे फिनिश हो जाती है। बट एक चीज यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, इसने जंप करा मतलब राइजन ने, इसको पता था भाई कि मेरी हेल्थ कम होने वाली है एंड जंप लैंड हुआ उसी टाइम इसने मतलब अपना बूस्टर लगा लेता तो इनको पता रहता है कि भाई अपने को करना क्या है। सो ये चीज मैं आपको मतलब बताना चाहता था। गाइज अभी बूम की स्क्वाड को देखो, यहाँ पे मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड मैं भी अपना मतलब कॉमेंट्री गियर चेंज कर देता हूँ। सो यहाँ पे सब कुछ सही था बूम के लिए, चार के चार प्लेयर इनके जिंदा थे, एक इन्होंने कैजुअलिटी मतलब सामने ले भी ली थी गीक पे, ये बहुत अच्छी फाइट होने वाली थी यहाँ पे एंड मतलब ये टेक डाउन कर सकते थे गीक के स्क्वाड को। बट यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि बूम के प्लेयर्स को मतलब यहाँ पे बहुत दिक्कतें आने वाली है क्योंकि यहाँ पे एक और स्क्वाड ने पुश कर दिया। अभी जैसे ही बीटीएम यहाँ पे पुश करती है, बूम के प्लेयर इनके पास होते हैं एंड गीक के प्लेयर थोड़े से दूर होते हैं, सो वन बाई वन इनको डाउन करा जाता है। तीन नॉक यहाँ पे इनको मिल जाते हैं एंड बाकी सभी जितने प्लेयर्स होते हैं जो नॉक पड़े हैं उनको फिनिश करा जाएगा एंड लास्ट के प्लेयर को यहाँ पे कंफर्म करने की ट्राई करी जाएगी। एंड बूम के लिए भाई ये मतलब काफी मतलब गलत हो जाता है सीन, क्योंकि तीन के तीन प्लेयर जो यहाँ पे होते थे ये वाली साइड, उनको घुस के यहाँ पे मारा जाता है क्योंकि गीक के प्लेयर भी यहाँ पे हेल्प करते हैं। एंड ऑरा को अगर देखोगे तो ऑरा साइड में थी, ऑरा के फैंस एंड ऑरा के मन में भाई यहाँ पे बहुत मतलब लड्डू फूट रहे थे कि भाई अभी तो बूम तो गया, सो बूम हमारे से ऊपर एंड हम यहाँ पे ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट मैन स्टैंडिंग है बूम का उसको भी यहाँ पे ये प्लेयर मारने की कोशिश करते हैं। उसको यहाँ पे नॉक नहीं मिलता, उसके ऊपर मतलब नेड्स कर जाते हैं बट वो बंदा यहाँ पे छिप जाता है एंड यहाँ पे भी एक स्पेशल मूवमेंट होता है, बंदे के रिफ्लेक्सेस दिखने को मतलब मिलते हैं अपने को। सीन क्या रहता है, सभी प्लेयर को यहाँ पे कंफर्म करा जाता है बूम के एंड यहाँ पे बीटीएम के बंदे यहाँ पे आगे आने की ट्राई करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे गाइस होने क्या वाला है। अभी बूम के प्लेयर को देखो, उसको इनको पता है कि वो बंदा इस शैक में है, ये यहाँ से नेड करने की ट्राई करता है बट जैसे नेड निकालते हैं नेड करने की ट्राई करते हैं इसको मिलता नॉक। सो आफ्टर दैट सामने वाले प्लेयर जो बूम का प्लेयर होता है उसको पता है कि भाई एक बंदा तो उसका रिवाइव करने लगा एंड एक ही बंदा उसको टेक डाउन कर सकता हूँ। जैसे ही बाहर निकलता है बंदे रिफ्लेक्स दिखाता है अपने और खत्म। सो भाई ये जो मतलब चीज करी ना बंदे ने, इसको मौका भी नहीं दिया रिएक्शन करने का, उससे पहले अपने रिएक्ट करा खत्म करा एंड ये बंदे इसके बाद एलिमिनेट होते हैं बट बूम का स्क्वाड एलिमिनेट हो चुका था। ऑरा के पास यहाँ पे बहुत अच्छा एडवांटेज था कि वो यहाँ पे अभी चेकिंग ले सकते थे क्योंकि इस तीन टीम बचती है, एक है बीटीआर, एक है ऑरा एंड एक है गीक। सो यहाँ पे ऑरा अगर चिकन निकाल लेती है ना, सो उनका प्लेस तो भाई पीएमपीएल सी में कंफर्म हो जाना था। इवन इनका प्लेस फिर भी कंफर्म होता है बट फाइट कैसे लेते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। सो गीक से ही फाइट लेने थे एंड बीटीआर से फाइट लेने थे। बीटीआर जक्सी की अगर आप पोजीशन देखोगे ना, बीटीआर जक्सी कहाँ जैसे हैं, सो मतलब बिल्कुल फ्लैंक पे 3v1 का स्प्लिट हमेशा खेलते हैं एंड जक्सी को ये चीज मतलब काफी अच्छे से करने आती है। ऑरा केजी यहाँ पे एक प्लेयर को डाउन करते हैं बट राइजन की साइड से उनको भी डाउन किया
जाता है एंड स्टीव को खत्म कर जाता है। सो ऑरा के पेयर गाइज अभी बैकफुट फिट थे क्योंकि केजी तो इनके डाउन है एंड साथ में माइक्रोवेव भी डाउन थे, इवन वो पुश नहीं करते। बट बीटीआर के जक्सी को देखो, वो मतलब यहाँ पे अपनी पोजीशन भी रिवील नहीं कर रहे थे एंड इनको लगता है कि बीटीआर यहाँ पे है। बट जक्सी का जो मतलब ये एंगल बना के रखा था ना भाई, दोनों साइड कवर कर रहे थे, सो बहुत अच्छा लगता है मुझे। एंड ये प्लेयर हमेशा ऐसे ही खेलता है। सो अभी देखो ऑरा वाले कैसे फाइट लेने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे ऑरा के पास यहाँ पे थोड़ा सा डिप था, सो मतलब वो डायरेक्ट इनको स्पॉट करके नहीं मारते, तो इसी चक्कर में यहाँ पे ग्रेनेड्स वगैरह पुल करे आते हैं, ग्रेनेड्स कुक करके थ्रो कर जाते हैं बीटीआर की साइड पे। एंड जक्सी भी यहाँ पे इनको नहीं मारते क्योंकि ये डिप में रहते हैं यहाँ पे, सो जक्सी भी इनको स्पॉट नहीं कर पाते हैं। बट जक्सी का काम था गिक के स्क्वाड को यहाँ पे डाउन करना। जेडन आगे जाने की कोशिश करते हैं एंड जेडन स्पॉट करने की कोशिश करते हैं एंड इनके ऊपर गाइस अभी भी नेड होते हैं। सो सारे के सारे नेड मतलब जितने भी मतलब बीटीआर की साइड से मतलब पॉसिबिलिटीज रहती है ना, वो यहाँ पे अपने थ्रोएबल्स डाल के मतलब इनको कंफर्म करने की ट्राई करते हैं। एंड केसी को देखो, केसी यहाँ पे बहुत मतलब बहुत लो एचपी हो जाते हैं बट इनको नॉक नहीं मिलता है। बट आफ्टर दैट अभी टाइम था भाई जाने का एंड ये चीज यहाँ पे गलत हो जाती है। माइक्रोबॉय एक नॉक निकालते हैं एंड माइक्रोबॉय फटाफट से कंफर्म करते हैं। आफ्टर दैट जेडिन एंड रोजीज रहते हैं, सो इनको भी उसके बाद मतलब बहुत दिक्कतें सहनी पड़ती हैं क्योंकि गाइस राइजन को तो नॉक दे दिया बट दो बंदे और रहते हैं अभी एंड इवन उनकी हेल्थ भी बहुत कम रहती है। सो लक्सी यहाँ पे मतलब कंफर्म करते हैं सब प्लेयर को एंड राइजन को फटाफट से रिवाइव दिया जाएगा। अभी गाइस बात आती है 2v4 फाइट गीक वर्सेस बीटीआर। सो यहाँ पे पहला नॉक आता है माइक्रोबॉय को एंड आफ्टर दैट लक्सी होते हैं, जक्सी पीछे है, इनको भी एक नॉक दिया जाता है राइजन की साइड से। बट जैसे लक्सी अपने प्लेयर को यहाँ पर रिवाइव देने की कोशिश करते हैं, वो बंदा ऊपर से आता है डाउन करता है। नाउ एक 1v1 फाइट है भाई बीटीआर जक्सी एंड गीक के प्लेयर के बीच में एंड सामने दोनों स्पॉट करने की ट्राई करते हैं। एंड जैसे प्लेयर थोड़ा सा यहाँ पे पैसिव होता है, वो रुकता है थोड़ी देर के लिए अपने टाइम मतलब लेना चाहता है, वैसे जक्सी उस पर पुश करते हैं और उसको मार देते हैं। सो भाई जक्सी का ये चीज मैंने बहुत देखी है कि जब भी प्लेयर सामने उसको थोड़ा सा डैमेज देता है वो तो उसकी वजह पुश कर देता है हमेशा। मैंने लास्ट जोन में बहुत ज्यादा देखा है, अगर आपने देखा तो फटाफट से बताना ये मैच कैसा लगा वो भी मुझे बताना। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुझे बोरिंग से लगा था बट जब वो बूम वाला मैच था ना, वहां से भाई मेरे अंदर एनर्जी आ जाती है। एंड अगर आपको ये मैच अच्छा लगा तो फटाफट से कॉमेंट करना एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हो भाई आप एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। ओ गाइस, पीस आउट, बाय बाय, टेक केयर।